गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे थे प्रोनाउंस की। हिंदी में अपन उसको बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउंस क्या है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है, और आगे अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। इस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में अपने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, और आज अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट कौन सा था देखिए, फर्स्ट अपने था पर्सनल प्रोनाउंस, और आज अपन सेकेंड यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पर डिस्कस करेंगे। ओके यस, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रोनाउंस का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कैसे देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मीन्स यही है कि इसका अपन उपयोग प्रश्न पूछने के लिए, आस्क क्वेश्चंस यानी किसी को प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हु, हुज एंड हुम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे शब्द हैं, देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, व्हाट क्या, विच कौन कौन से, हु कौन, हुज किसका, हुम कौन और किसका। इन एडिशंस, देखिए इन एडिशन दिस प्रोनाउंस माई टेक द सफिक्स सफिक्सेस एवर एंड सो एवर। देखिए इसके अलावा ये सर्वनाम प्रत्यय लगा सकते अपन, उसके अलावा उसके प्रत्यय भी लगा सकते। प्रत्यय प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, कहाँ लगता है, पीछे, तो अपन उसमें प्रत्यय भी लगा सकते हैं। एवर का अर्थ होता है कभी, और फॉर एवर का होता है कोई भी। अब उसका भी यूज अपन करेंगे कि कैसे लगता है। तो आपको जनरली एक बात यही याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को अपन आस्क क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। उसमें मेन वर्ड्स क्या क्या है, देखिए व्हाट, विच, हुज एंड हुम, इसका उपयोग 100% होगा। विथ एग्जाम्पल्स देखिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हु। अब ये क्वेश्चंस हुआ, उसका आंसर आएगा, तो इसलिए अपन हु, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का वर्ड है जिसमें अपन को यूज करना कंपलसरी होता है। तो हु वाज द प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे। फिर सेकेंड एग्जाम्पल्स देखिए, विच इज योर पेन, आपकी पेन कौन सी है, इसमें से जो इस पेन था बहुत सारी उसमें बताया है कि आपकी पेन कौन सी है। फिर थर्ड एग्जाम्पल्स देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंटेंट्स कंटिनेंट्स, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है। फोर्थ एग्जाम्पल्स देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉट एवर, वॉट एवर यानी सफिक्सेस हो गया, एवर क्या है सफिक्सेस से, वॉट क्या है वर्ड से, इसलिए उसको अपन सिमिलित में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वॉट एवर, वॉट एवर डीड ही से टू मेक हर क्राई लाइक दैट, उसने जो भी कहा वह उसे रोने जैसा बना दिया। अब ये जो एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, देखिए हु, विच, वॉट, वॉट एवर, ध्यान से सुनना, हु एंड हुम आर यूज फॉर पीपल ओनली, वो और हुम इन दोनों का उपयोग केवल लोगों के लिए कहा जाता है। लोग कैसे,
जैसे हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये लोगों के लिए कहा गया है, यानी प्रेसिडेंट कौन, लोग यानी मैन यानी आदमी होता है। ओके यस, तो हु एंड हुम का उपयोग ओनली लोगों के लिए किया जाता है। विच इज यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, विच का उपयोग अपन लोगों और चीजों के लिए किया जाता है। विच का उपयोग अपन लोगों और चीज, कोई भी चीज हो, इसके लिए उपयोग करते हैं। फिर देखिए, वॉट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली, और वॉट का प्रयोग अपन ओनली थिंग्स यानी चीजों के लिए ओनली कहा जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो ध्यान हो गया, हु एंड हुम का उपयोग कैसे करना है, विच का उपयोग कहाँ करना है, और वॉट का प्रयोग कहाँ करना है। और ये सब सारे क्या है, आस्क को क्वेश्चन, जब अपन किसी को क्वेश्चंस पूछेंगे तो ही उसका उपयोग करना है। ओके यस, फिर नेक्स्ट देखिए, लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड द यूज फॉर सम इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए हैं हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउंस यानी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस का उपयोग। देखिए इस तालिका को देखिए, इस तालिका के अनुसार आपको बताया है, यानी एक सारणी के अनुसार देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये वर्ड हैं, हाउ टू यूज, यूज कौन कौन कर सकते हैं, और एग्जाम्पल उसका उपयोग कैसे किया। फर्स्ट देखिए, हु फॉर पीपल, आपको ऑलरेडी बताया है कि उसका उपयोग ओनली पीपल के लिए ही करना है, यानी लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल्स देखिए, हु वाज द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था, पीपल यानी लोगों के लिए हुआ है। ओके, तो इसलिए आपको हु का उपयोग पीपल के लिए करना है। और उसका एग्जाम्पल्स देखिए कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल। ओके समझ गए। हाँ, फिर हु फोर पीपल, इसका भी पीपल और लोगों के लिए करना है। हुम डीड ही गिव द काइस, कीज सॉरी, उसने किसको चाबी दी, यानी ये भी किसके लिए प्रयोग करना है, पीपल्स। ओके, व्हाट फोर थिंग्स, व्हाट का प्रयोग ओनली कहा करना है, चीजों के लिए, किसके लिए, चीजों के लिए। व्हाट आर यू क्राइंग इन योर बैग, आप अपने बैग में क्या ले जा रहे हैं, लोग तो ले जा नहीं सकते, इसलिए वह क्या है, चीज ही कुछ लेके जाने, किताब पेन पेंसिल, इसलिए वह क्या है, थिंग्स है यानी चीज। ओके यस, विच बोथ पीपल एंड थिंग्स, विच का प्रयोग अपन दोनों में कर सकते हैं, लोगों और चीजों के लिए। हुम का प्रयोग पर्संस एंड थिंग्स, पर्संस एंड थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके यस, फिर नेक्स्ट है अपने डोमेस्ट्रिव, डोमेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउंस, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके यस, और रही बात आपके टेस्ट की, तो आपको पता ही है कि आपको सिलेबस सेंड कर दिया है, इसलिए आप अपनी टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू चालू ही रखें। ओके हाँ, तो आज अपने टू टाइप्स ऑफ नाउंस, सॉरी प्रोनाउंस के टू टाइप्स हो गए कंप्लीट। फर्स्ट कौन सा था देखिए, पर्सनल हो गया, और आज अपन ने पढ़ा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आपको बस यही याद रखना है कि हम उसका उपयोग आस्क या क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स कौन कौन से, देखिए हु विच व्हाट व्हाट एवर, हुम विच व्हाट, यानी व्हाट विच हुज एंड हुम इसका उपयोग होता है। तो ये वर्ड आएंगे तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चंस मार्क्स वाला बनेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। पीछे देखिए सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि
यदि किसी को क्वेश्चंस करते हैं तो पीछे क्या लगता है, क्वेश्चंस मार्क्स लगता है। ओके हाँ, तो देखिए इसके पीछे क्वेश्चंस मार्क्स लगे हैं और इसमें विच हु वूज वूम एंड व्हाट का प्रयोग कंपलसरी होता है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप इस सारणी को देखिए, इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स में समझाया गया है कि किसका प्रयोग पीपल में करना है और किसका प्रयोग पीपल एंड थिंग्स दोनों में करना है और किसका उपयोग ओनली थिंग्स में करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। ओके तो ये था अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।